अच्छा मान ली 750 किसानों को वापस ला दोगे आप, उस परिवार को क्या जवाब दोगे जिस परिवार के 700 से ज्यादा किसान चले गए, जो 13 महीने की किसानों की तपस्या को भूल गया वो किसान नहीं है, और जो बीजेपी को वोट देगा वो किसान नहीं किसानों का दुश्मन होगा। इस शहादत को नहीं भूल सकता कोई भी, जो भूलेगा वो शहादत का अपमान करेगा। एक साल हो गया, कितना कष्ट में रहे हैं, जाड़ा बरसात गर्मी, कितने शहादत हो चुकी कितने किसानों की। अभी कुछ घंटे पहले किसान संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि जो सरकार थी उसने तकरीबन सारी मांगों पर मंजूरी दे दी है, उन्होंने MSP पे कमेटी भी बना दी है, वहीं जो राज्य सरकारों की तरफ से मुकदमे थे वो वापस लेने के लिए भी कहा गया था। तो क्या लगता है हरिंदर जी, अब तो सरकार सब चीज़ें मांग ली है, कमेटी भी बना दी है, अब क्या नहीं? ठीक है, 11 तारीख से सब किसान घर वापसी करेंगे, ऐलान हो चुका है फाइनली। हाँ, तो अब क्या मतलब, तो अब तो यूपी में जाके बीजेपी के लिए वोट भी होगा? क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, अब तो सारी चीज़ मांग ली ना। अच्छा मान ली 750 किसानों को वापस ला दोगे आप, उस परिवार को क्या जवाब दोगे जिस परिवार के 700 से ज़्यादा किसान चले गए, क्या जवाब दोगे बताओ? हम लोग तो अपने परिवारों में चले जाएंगे, वो लोग कहाँ से जाएंगे? तो उसके उस लिए परिवार भी तो वापस देख रहा होगा। उसके लिए मोदी जी ने पूरे नेशनल TV पे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने से उस परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, उस परिवार का व्यक्ति गया है उसको भी भूलेगा कोई किसान? अगर 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत को किसान भूल गया तो वो किसान नहीं है। जो 13 महीने की किसानों की तपस्या को भूल गया वो किसान नहीं है, और जो BJP को वोट देगा वो किसान नहीं किसानों का दुश्मन होगा, क्योंकि ये किसान परिवार 300 साल तक भी अपने दुश्मन को नहीं भूलता। अच्छा क्या लगता है, क्योंकि अभी राकेश जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जब तक आमने सामने बैठकर, क्योंकि लिखित तौर पे भी ठीक है लेकिन जब तक आमने सामने बैठकर हल नहीं निकल जाता जब तक हम जाने वाले नहीं है, तो क्या इसके पीछे भी कोई चाल या छल देख रहे हैं BJP? हो सकता है, वैसे मेरे पास तो एक ये आया है ट्वीट, हमारे मीडिया संयोजक हैं शायद धर्मेंद्र मलिक जी, उनका ट्वीट आया है कि 11 तारीख से सब किसान बॉर्डर से घर की तरफ जाएंगे, बाकी आधिकारिक घोषणा तो हम तभी मानेंगे जब राकेश जी आ जाएंगे। इतनी शहादतें हुई जिन लोगों की जान गई, उसके बाद भी सरकार, एक साल हो गया तकरीबन 378 दिन के बाद सरकार झुकने को कहीं राजी हुई, तो ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई को कैसे देखते हैं? क्या 2022 में जो नारा था दो डोज वाला कि 22 में यूपी में और 24 में सेंटर में, वो कायम है अब भी या बदलेगा? नहीं, हमारी तरफ से कायम है, किसान नहीं भूलेगा। हमने बताया ना, जो किसान भूल गया वो किसान नहीं है, इस शहादत को नहीं भूल सकता कोई भी, जो भूलेगा वो शहादत का अपमान करेगा। किसान आंदोलन ने एक नई दिशा दी थी, जो भारत की जनता थी उसको एक नया मोड़ दिया था आंदोलन करके, फिर से चाहे मथुरा में हो, मथुरा का इशू बनाया जा रहा है, कहीं क्या लगता है फिर से बांट दिया जाएगा? जो किसान आंदोलन में एकजुट हुए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, फिर से मथुरा का इशू बना के उसको फिर से बांट दिया जाएगा धार्मिक तौर पे? देश ये धर्म और जाति में अब नहीं बटेगा, देश कहेगा महंगाई पे बात कर, रोजगार पे बात कर, शिक्षा पे बात कर, स्वास्थ्य पे बात कर, महिला सुरक्षा पे बात कर। अरे 6-6 साल की बच्चियों के साथ इतना दुराचार हो रहा, और ना प्रधानमंत्री बोलता है, ना मुख्यमंत्री बोलता, ना गृह मंत्री बोलता है, तो इनके लिए तो अब देश माफ नहीं करेगा। क्या लगता है आपको भी, क्या देश में जो आंदोलन चला था ये, और अब ये इसकी समाप्ति होने जा रही है, ऐतिहासिक आंदोलन था, इसके बाद देश में बदलाव कैसे आएगा? क्या फिर से वही धार्मिक राजनीति होगी? धार्मिक राजनीति करेंगे BJP वाले, लेकिन अब नहीं आएगा, किसान बहकावे में नहीं आएगा। किसान क्या, आप सब जनता समझ चुकी है, अब नहीं आएंगे बहकावे में, पक्का इस बार, पक्का इस बार, क्योंकि फिर बहुत कितना कष्ट झेला है हमारे भाइयों ने यहाँ पे, एक साल हो गया, कितना कष्ट में रहे हैं, जाड़ा बरसात गर्मी, कितने शहादत हो चुकी कितने किसानों की, तो नहीं भूलेंगे। क्योंकि यूपी चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं जो BJP है, हाँ, वो मथुरा का इशू उठा रही है बार बार, उनके MP चाहे कंगना रनौत हो, रवि किशन हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, लगातार ट्वीट करके ये धमकी दे रहे हैं कि
मथुरा काशी बाकी है। नहीं नहीं बोलने दीजिए, अब तो ये कुछ भी बोले हैं अब वो नहीं बात आएगी, अब वो नहीं होगा, अब इतना जल्दी जनता नहीं भूलेगी। अगर यही काम इन्होंने पहले शुरू में कर दिया होता एक साल पहले तो जनता माफ़ कर देती, अब नहीं माफ़ करेगी, अब नहीं करेगी। क्या लगता है अभी भी रोजगार मुद्दा है या बेरोजगारी? रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। रोजगार कहाँ मिला, रोजगार तो कम हो गए और कम कर दिए रोजगार, रोजगार किसको मिल रहा, रोजगार मुद्दा है। चलिए तो एक एक और सवाल था मेरा, जिस तरीके से किसान आंदोलन में सभी लोगों ने साथ दिया किसान आंदोलन का, हाँ, समर्थन दिया, हाँ, कुछ लोग शामिल भी हुए, हाँ, क्या एक एक और आंदोलन चला था सीए का, क्या लगता है इसके बाद समापन के बाद हो सकता है वो लोग भी आंदोलन करें तो क्या किसानों का उनको समर्थन मिलेगा? अब नहीं कह सकते, समय बताएगा, समय बताएगा क्या होगा। वो भी एक संवैधानिक, हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी अधिकार के लिए लड़ेंगे, समय बताएगा क्या होगा। हाँ आगे आने दीजिए समय, क्या होता है। चलिए तो ये लोग थे जो आज गाजीपुर बॉर्डर पे उत्साह मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उधर कबड्डी खेली जा रही है क्योंकि जो सरकार थी उसने सारी मांगे मान ली है, एमएसपी पे कमेटी बना दी है और जो जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पर उनको वापस लेने का भी वादा किया है, लिखित तौर पे दे चुका है। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में आज ये सारी बातें हुई और राकेश टिकैत ने अभी ऐलान नहीं किया है कि हम बॉर्डर खाली करेंगे, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर को किसान अपने घर वापसी करेंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की लगातार बैठक सरकार के साथ चलती रहेगी। हम इस वक्त आपको दिखा रहे थे गाजीपुर बॉर्डर से लाइव तस्वीरें, कैमरा पर्सन निधि के साथ मोहम्मद फैसल, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।